घोर भी है, घोर वालेकुम अस्सलाम जी बदामी साहब, मिजाज जी मेहरबानी शुक्रिया। सर पहले मुझे ये बताएं, ये कुछ उड़ती उड़ती खबर आती खबर आई है, ठीक है या नहीं कि अब से कुछ देर पहले आपका मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं अफनानुल्लाह साहब, एक टॉक शो में उनसे कुछ तल्ख कलामी भी और बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसमें लातों और घूसों का आजादाना इस्तेमाल हुआ, गुलामाना नहीं आजादाना आपने किया, ये बात ठीक है? जी ये बात ठीक है। उन्होंने इमरान खान को गाली दी, जो जिस तरह इसका बाप गालियां निकालता था इस तरह इन्होंने जो है, इनको इल्म नहीं था कि मैं खान के वकील के साथ साथ उनका मुरीद भी हूँ, तो लिहाजा गाली का मैंने जवाब दिया जो पठान देते हैं गाली का जवाब जिस अंदाज में। उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया मुझे, आपने फिर हाथ का इस्तेमाल किया? गाली उन्होंने खान साहब को दी, मुझे देता है शायद मैं फिर भी कंट्रोल करता, लेकिन इमरान खान को कि यहूदी है तो ये बकवास करने की उसको जरूरत नहीं थी, लिहाजा उसका उसके उसके उसको ट्रीटमेंट बनती थी। और वो क्या ट्रीटमेंट हुई जो आपने बयान की? अच्छा यानी आज तो फिर क्या हुआ? फिर भाग गया, शो खत्म हो गया, क्या हुआ? शो तो उन्होंने दरमियान में बंद कर दिया ना, जावेद चौधरी साहब भी खफा हुए, मुझे खुद भी मतलब इस चीज की तवक्को नहीं थी, लेकिन कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। जब वो इमरान खान को मैं साइड में बैठा हूँ, पूरा पाकिस्तान देख रहा हो और वो गालियां दे रहा हो, तो फिर तो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है ना कि उसकी गाली को मैं किस तरह मैं गालियां निकालता। बाद में तो फिर मुझे तो उर्दू में गालियां भी नहीं आती हैं। बहरहाल मैंने जो है उनका हिसाब बराबर कर दिया। ये सारा जो मामला ये ऑन एयर नहीं गया ना, ये ब्रेक में हुआ या सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रही थी, क्या हो रहा था? रिकॉर्डिंग हो रही थी, इसलिए नाज़रीन ने मंजर नहीं देखा ना। वो दिखाते नहीं दिखाते उनकी मर्जी है, दिखाते हैं तो भी मुझे कोई उधर नहीं है, नहीं दिखाते हैं। बाद में कोई सुलह सफाई नहीं हो सकी कि चले जो हो गया खत्म करें, नहीं हो सका मामला है? क्या सुलह सफाई, गालियां खान को दे गई, इस बदबख्त से मैं क्या सुलह करूंगा। अच्छा ओके चले, ये आपसे कुछ नमाज पहले की खबर आई थी तो मैंने कहा आपसे पूछूं और आपने इसको कंफर्म कर दिया। बाजवा ने भेजा था क्योंकि बाजवा के साथ इनकी डील 2019 से चल रही थी। इमरान खान बूट चाट रहा था, बूट तो बाजवा क्या कहते हैं, बूट वो चाटने को यहाँ तक पहुंचा इमरान खान, बूट जो को भाषण दे रहे हैं भागने के, बूट चाट किया है इमरान खान उसके बाद बूट चाट बूट नहीं कोई नहीं, जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटा है। ये कुछ उड़ती उड़ती खबर आती खबर आई है, ठीक है या नहीं कि अब से कुछ देर पहले आपका मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं अफनानुल्लाह साहब, एक टॉक शो में उनसे कुछ तल्ख कलामी भी और बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसमें लातों और घूसों का आजादाना इस्तेमाल हुआ, गुलामाना नहीं आजादाना आपने किया, ये बात ठीक है? जी ये बात ठीक है। उन्होंने इमरान खान को गाली दी, जो जिस तरह इसका बाप गालियां निकालता था इस तरह इन्होंने जो है, इनको इल्म नहीं था कि मैं खान के वकील के साथ साथ उनका मुरीद भी हूँ, तो लिहाजा गाली का मैंने जवाब दिया जो पठान देते हैं गाली का जवाब जिस अंदाज में। उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया मुझे, आपने फिर हाथ का इस्तेमाल किया? गाली उन्होंने खान साहब को दी, मुझे देता है शायद मैं फिर भी कंट्रोल करता, लेकिन इमरान खान को कि यहूदी है तो ये बकवास करने की उसको जरूरत नहीं थी, लिहाजा उसका उसके उसके उसको ट्रीटमेंट बनती थी। और वो क्या ट्रीटमेंट हुई जो आपने बयान की? अच्छा यानी आज तो फिर क्या हुआ? फिर भाग गया,
शो खत्म हो गया, क्या हुआ? शो तो उन्होंने दरमियान में बंद कर दिया ना, जावेद चौधरी साहब भी खफा हुए, मुझे खुद भी मतलब इस चीज की तवक्को नहीं थी, लेकिन कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। जब वो इमरान खान को मैं साइड में बैठा हूँ, पूरा पाकिस्तान देख रहा हो और वो गालियां दे रहा हो, तो फिर तो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है ना कि उसकी गाली को मैं किस तरह मैं गालियां निकालता। बाद में तो फिर मुझे तो उर्दू में गालियां भी नहीं आती हैं। बहरहाल मैंने जो है उनका हिसाब बराबर कर दिया।